हर बार लाश लाश सूटकेस में की। इसी भी प्रद्युमन एक और खून होने वाला है, मगर माय गॉड देर हो चुकी है, अब बचाया नहीं जा सकता। एक और लाश मिली है सूटकेस में, लाल रंग की है। बागमारे, तुमने उस लड़की को ध्यान से देखा? जी सर, अच्छी तरह से देखा हूं सर। यही लड़की थी वो? नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है सर। इसका मतलब इस जुर्म में तीन लोग शामिल हैं। एक अभय जो मर के जिंदा हो गया है, दूसरी ये लड़की, और तीसरी वो लड़की जो ये लाल सूटकेस छोड़कर गई है। बागमारे, तुम फौरन स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठो और उस लड़की का स्केच बनवाओ फौरन। सर, यही है वो लड़की जिसने पुलिस स्टेशन के बाहर वो लाल सूटकेस छोड़ा था। ये है वो? है तो दुबली पतली सी, इसने कैसे मारा होगा? कमाल है सर, ये दोनों लड़कियां एक प्रोफेशनल खूनी की तरह लोगों को काट के मार रही हैं, और हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। और ये अभिजीत जिसकी लाश मिली, ये कौन है? ताजुब की बात है सर, ये भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे सर। ये भी वही? जी सर, वही। ये भी वही उसी पुलिस स्टेशन में काम करते थे जहां पे पहले दोनों। फिर जरूर ये तीनों के तीनों एक ही केस पर काम कर रहे होंगे। कोई तो है जिसने तीनों से बदला लिया है। सब कुछ वैसे ही का वैसे ही, वही मॉडस ऑपरेंडी जो अभय का था। जैसे अभय लाशों को काटता था। लेकिन अभय साइकोटिक था, अकेले ही काम करता था। उसे ये दो लड़कियां कहां से मिली और उसे क्या जरूरत पड़ गई इन दो लड़कियों की? काफी सालों बाद वापस आया है, कमजोर पड़ गया होगा तो ढूंढ ली दो रिश्तेदारों। सर, उसका कोई परिवार नहीं था। कोई परिवार नहीं था? ये दो लड़कियां तो हमारे लिए अनजान है, पर अभय को तो हम जानते हैं। एक बार अभय मिल जाए तो लड़कियां भी मिल जाएगी, बस अभय को ढूंढना चाहिए। सर, पिछली बार मैंने उसे पकड़ा था, इस बार भी ये काम मैं ही करूं। लगता है शेखावत साहब को मालूम है कि अभय कहां छुपा है। इनका पीछा करें कैसे? नहीं अभिजीत, अच्छा तो आप लोग आसपास ही रहते हैं? जी साहब। फिर तो आप जानते होंगे कि जगह है किसकी। साहब, ये जगह सुंदर नाम के एक लकड़हारे की हुआ करती थी। सुंदर नाम का लकड़हारा? जी साहब, साल पहले उसकी मौत हो गई, तब से ये जगह खाली पड़ी। उसका कोई रिश्तेदार या फिर दोस्त वगैरह इस जगह को लेने नहीं आए? सुंदर के आगे पीछे कोई नहीं था, ऐसे भी वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, इसीलिए तो उसने गांव से दूर ये जगह बनाई। और अब ये जगह उन खूनियों के काम आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में पानी का साधन क्या है, कहां से आता है पानी? पहले तो हम लोग पास की शीतल नदी का पानी इस्तेमाल करते थे, मगर बांध बन जाने की वजह से अब पानी गांव में नहीं पहुंच पा रहा। तो अब आप लोग पानी का इंतजाम कैसे करते हैं? अब एक लड़का है बंसी। बंसी? जी साहब, वो पास के गांव से पानी लाता है और 2 रुपए बाल्टी के हिसाब से बेचता है। अच्छा, ये बंसी मिलेगा कहाँ? तब पास में ही मिंतिया गांव है, बंसी आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक, शुक्रिया। ठीक है साहब। सचिन, एक बात देखी, ये वाला कमरा बिल्कुल गंदा है, जमीन पे धूल, दीवारों पर मकड़ी के जाल, लेकिन वो अंदर वाला कमरा बिल्कुल साफ है। एग्जैक्टली, और कमरे को देख के पता चलता है कि सफाई हाल ही में हुई है। और साफ सफाई के लिए पानी की सप्लाई उस बंसी ने की होगी। ये तो मिंतिया गांव जाकर बंसी से ही पता चलेगा। साहब,
वो कड़ी मिल गई है जो सुरेश, राहुल और अरुण को एक साथ जोड़ती है। ये रही उस केस की फाइल जिसमें तीनों एक साथ काम कर रहे थे। 2009 में अनिकेत नाम की इंडस्ट्रीज का खून हुआ था और उसमें उसके मैनेजर आकाश को गिरफ्तार किया गया था। और ये केस फटाफट सॉल्व हो गया था, सारे सबूत आसानी से मिल गए। मगर लोगों का कहना है कि ये सारे सबूत प्लांट किए गए थे ताकि आकाश को गिरफ्तार किया जा सके। क्या आकाश ने जेल में आत्महत्या कर दी? हाँ सर, शायद जेल जाने का अपमान सह नहीं पाया सर। हो सकता है ये आकाश निर्दोष था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार इन पुलिस वालों को मार रहा हो। इस आकाश के परिवार वालों का पता लगाना पड़ेगा। ये बंसी कहाँ मिलेगा? भाई साहब, ये बंसी मिलेगा कहाँ? ₹100। तो तुम हो बंसी? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? यहाँ सबको पानी देते हो, जाहिर सी बात है हर कोई तुम्हारा नाम जानता है। कौन है आप लोग? CID। CID? हाँ, इन दोनों को तो तुम पहचानते ही होगे। अरे हाँ साहब, इनको तो हमने 15 बाल्टी पानी बेचा था और 1 बाल्टी के पूरे 5 रुपए भी दिए थे इन्होंने। अच्छा, ये बताओ कि पानी लेने के लिए ये दोनों सिर्फ आए थे या कोई और भी आया? नहीं सर, और कोई नहीं था, लेकिन इनके हाथों में 2 बड़ी-बड़ी थैलियां थी। 2 बड़ी-बड़ी थैलियां? हाँ सर, आप शहर वाले लोग कचरा फेंकने के लिए जो थैलियां इस्तेमाल करते हैं ना, वो वही। मतलब डिस्पोजेबल बैग्स। एक बात समझ में नहीं आया, उन लोगों ने तो टुकड़ों को लाल सूटकेस में डाला था, तो फिर इन कचरे की थैलियों में क्या था? अच्छा, गांव का कचरा कहाँ फेंका जाता है? दिन बाकी है और पर उतने ही पैसे बचे हैं और ये मकान मालिक कभी भी आ जाए पैसे मांगने। लो आ गया, शांति से जीने नहीं दे गए। इंस्पेक्टर शेखावत? फिर अंदर आ सकता हूं? वैसे ये मुस्कान देखकर तो डर लग रहा है, बिना मतलब के तो पुलिस वाले हंसते भी नहीं। अभय कहाँ है? अभय तो मर चुका है, फिर ये सवाल करने का क्या मतलब? मैंने पूछा अभय कहाँ है। 3 साल पहले भी यही सवाल 1 महीने तक पूछा था और तुमने यही जवाब दिया था कि मालूम नहीं। मरे हुए आदमी का कोई पता होता है क्या? लीना, अगर 4 साल तक अभय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं आया तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो मर गया, हो सकता है वो कहीं छुप रहा हो। अगर वो जिंदा होता तो मुझसे मिलने जरूर आता, मुझे इस तरह भूखा नहीं मरने देता। वो मुझे प्यार करता था। मुझे भी ऐसे लगता था, जैसे उसकी शक्ल तो याद है ना तुम्हें? अभय, बॉम्बे पुणे हाईवे पे एक ढाबे पे देखा गया, देखने वाले ने ये स्केच बनाया। अभय जिंदा है, वापस आ गया। अभय जिंदा है? ताज्जुब है, तुमसे मिलने नहीं आया, शायद भूल गया होगा।
आइए साहब। ये रहा साहब, पूरे गांव का कचरा यहीं फेंका जाता है। देखो उन दोनों के हाथ में कौन सी दो थैलियां थी। ये है वो पॉलिथिन्स। कपड़ों पर तो खून लगा हुआ है। खून से सने हुए कपड़े, जरूर ये कपड़े उन लाशों के हैं। राहुल की जान को खतरा था? ये मैं नहीं जानती थी, पर मुझे इतना पता था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पिछले 2 साल से राहुल बहुत परेशान थे, बहुत। इतने लंबे समय से किस बात को लेकर परेशान था राहुल? से कुछ गलत काम हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आत्मा उनके जमीन पे एक बोझ सा छाया हुआ था। गलत काम? कौन सा गलत काम किया था उन्होंने? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैसों के लिए उन्होंने अपने ईमान को धोखा दिया था, इसलिए तो उन्होंने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी। नहीं, राहुल के पुलिस के नौकरी छोड़ने की वजह ये आकाश अनिकेत केस तो नहीं था? आकाश अनिकेत, ये नाम तो मैंने पहले भी इनके मुंह से एक दो बार सुना है। अच्छा, और क्या सुना था आपने? एक बार ये फोन पे किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम तीनों की बात मान करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तीन लोगों की बात? लेकिन ये आकाश अनिकेत केस में तो सिर्फ तीन ही ऑफिसर्स थे, एक अरुण, दूसरा सुरेश और तीसरा खुद राहुल। तो फिर ये चौथा कहां से आ गया जिसके बारे में राहुल बात कर रहा था? कहीं ये राहुल उन तीनों मुजरिमों से मिला हुआ तो नहीं था? अभय, कोमल और वो अनजान लड़की। ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। या तो राहुल उन मुजरिमों की मदद कर रहा था, या फिर इस केस में एक और ऑफिसर था जिसका अब खूनी शिकार करने वाला। सर, शायद इस बार हमारा अंदाजा सही नहीं है। सर, क्या मतलब? सर, मैं आकाश के घर से आ रहा हूँ। जो एड्रेस रिकॉर्ड्स में है उसके मकान मालिक का है। मकान मालिक का कहना है कि आकाश अनाथ था,
उसके माँ बाप नहीं थे और ना ही उसकी शादी हुई थी। तो फिर दया कोई दूर का रिश्तेदार होगा या फिर कोई करीबी दोस्त हो? नहीं सर, मकान मालिक के हिसाब से जब वो वहां पे रह रहा था उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता था और उसके मौत के बाद भी कोई सामान ले जाने के लिए नहीं आया। तो फिर ये कौन निकल पड़ा आकाश को इंसाफ दिलाने के लिए? सर, सर इस दूसरी लड़की के बारे में पता चल गया है। है कौन ये दूसरी लड़की? इसका नाम रीटा है सर, और हैरानी की बात तो ये है कि ये उसी कॉलेज में लाइब्रेरियन का काम करती थी जहाँ अरुण जी जाने वाले थे अपनी मौत से पहले। ये रीटा उसी कॉलेज में लाइब्रेरियन का काम करती थी? उसी कॉलेज में? तो फिर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं पूर्वी, हैरानी की कोई बात नहीं। ये सारा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है। पहले अरुण को बुलाया गया कॉलेज में, फिर सुरेश को बुलाया गया चैरिटी ट्रस्ट के ऑफिस में, और फिर राहुल को अवार्ड्स फंक्शन में। कॉलेज में काम करती थी ये रीटा और चैरिटी ट्रस्ट में कोमल, और तीनों को वहां बुलाने का मकसद था तीनों का खून करना। और सर अफसोस, तीनों बार ये तीनों खूनी कोमल, रीटा और अभय अपने मकसद में कामयाब रहे। अभय, और अगर ये अभय आजाद घूम रहा है तो जरूर अपने पुराने दोस्तों से मिलता होगा, जरूर अपने पुराने दोस्तों से मिलता होगा। इस अभय की गुत्थी सुलझानी पड़ेगी। अभय, हाँ साड़ूखे, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने तो वही कहा जो जो सच है। अरे भला मैं चुप! अभय जिंदा है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये देखो किसका क्या चाहिए। इंस्पेक्टर शेखावत ढूंढ रहा है इसे। ये इंस्पेक्टर शेखावत ने दिया तुम्हें? हाँ। वो ढूंढ रहा है इसे? हाँ, मैं ढूंढ रहा हूं। शेखावत, पूरब 29 जुलाई 2008 को तुमने अभय के खिलाफ गवाही दी थी, स्टेटमेंट लिखवाया था मेरे ही पुलिस स्टेशन में, पर आज तुम इससे पूछ रही हो कि अभय जिंदा या नहीं? क्यों, इससे क्यों? धोखेबाजी की सजा मालूम है ना? मैं जिंदा रहना चाहता था, अभय मुझे जान से मार देता। इसका मतलब तुम जानते थे कि अभय जिंदा है? हाँ सर, वो उस आग में बच गया था। उसके बाद वो सीधा मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तेरी वजह से मुझे सजा हुई है, अब तू ही मुझे बचाएगा वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या करता सर? 4 साल तक तुमने एक मुजरिम को पनाह दी, उसकी मदद की, उसके साथ साथ तुम भी गुनहगार हो। बताओ वो कहाँ है? वो मेरे कांदीवली वाले घर में रह रहा है सर। Thank you.
सर, कपड़ों पे जो खून लगा हुआ है, इन सब का डीएनए मैंने टेस्ट करवा लिया है सालूम के हिसाब से। ये खून उन्हीं लाशों का है। ओहो फ्रेडी सर, थैंक गॉड आप यहाँ लैब में मौजूद थे, वरना सालू के और तारिका तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते, वो तो आपने करवा लिया। अरे सर, हमारे ये होनहार सिपाही ये कपड़े खुद ही लेकर आया है, इसका क्रेडिट तो इसे मिलना चाहिए ना। हाँ, उसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा। अच्छा सालू की ये बता क्या मिला है तुझे, ये वरना खाली आज जाना पड़ेगा। मतलब? मतलब ये सालू के कि अगर कुछ मिला है तो जल्दी बता। सर इन कचरे की थैलियों पे से और इन कपड़ों पे से हमें स्नोडन शिशाइन नाम का केमिकल मिला। स्नोडन शिशाइन, ये कैसा केमिकल है? इस केमिकल का इस्तेमाल अस्पतालों में किया जाता है, दवाइयों के लिए या फिर हॉस्पिटल के ऑपरेटर्स को स्टरलाइज करने के लिए। ओ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों लड़कियां कोमल और रीटा नर्स का काम करती है किसी हॉस्पिटल में? पूरा पता लगाओ इन दोनों लड़कियों के बारे में। इन दोनों फोटो को ध्यान से देखिए, इसका नाम कोमल है और इसका रीटा, देखा इन्हें? हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले तो रखा है यहाँ पे इन्हें नर्स के जॉब के लिए। ग्रेट, सर बुलाइए ना। लेकिन क्या बोलूं, कौन मिलने आया है? कुछ मत कहिए, बस बोलिए कि रिसेप्शन पर जरूरी काम है। सीआईडी? कुछ गड़बड़ है क्या सर? मैडम, जहाँ पे गड़बड़ नहीं होती है वहाँ पे हम लोग आते ही नहीं है, जल्दी बुलाओ। अलका, कोमल और रीटा को फौरन बुलाओ, इट्स अर्जेंट। कोमल और रीटा वो तो कब की चली गई? चली गई कहाँ? चली सूर्य तोरा ऑडिटोरियम, कह रही थी वहां पर कोई फंक्शन है वही अटेंड करने गई है। चलो। जेल। हेलो, मैं जेलर विक्रम से बात कर सकता हूँ? जी, वो कहीं बाहर गए हुए। कहाँ गए? किसी फंक्शन में गए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जी कुछ खास बात थी क्या? नहीं कोई खास बात नहीं थी, थैंक यू। हेलो एसीपी साहब, मैं शेखावत बोल रहा हूँ। सर किसी चौथे आदमी का खून होने वाला है, जेलर विक्रम कुमार, वो इस वक्त किसी फंक्शन में जा रहा है। और हमें भी पता चला कि कोमल और रीता किसी ऑडिटोरियम में जाने वाली है। ये वही फंक्शन होगा जहाँ पर जेलर विक्रम गया है, मुझे डर है वहाँ उसका खून नहीं हो जाए। सर ये ऑडिटोरियम कहाँ पर है? ये है गोरेगांव वेस्ट में, सूर्य तोरा ऑडिटोरियम। लेकिन शेखावत, हमें वहाँ पहुँचने में कम से कम 40 मिनट लगेंगे। सर मैं 10-15 मिनट में पहुँचता हूँ, मैं जेलर विक्रम को कुछ नहीं होने दूंगा। हेलो
नमस्ते सर। नमस्ते। हम आपका इंतजार कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। सारे लोग ऑडिटोरियम में बैठे। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं काफी लेट हो गया। जी सर, एक्चुअली आप काफी लेट हो गए। चलिए ना, जल्दी चलते हैं। या प्लीज चलिए। Excuse me. Yes. यहाँ पे कोई फंक्शन होने वाला था ना? जो फंक्शन होने वाला था वो तो कैंसिल हो गया है। पर हम लोग यहाँ पे काफी देर से खड़े हैं। ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं इंस्पेक्टर शेखावत हूँ और मुझे दो लड़कियों की तलाश है। क्या दो लड़कियाँ यहाँ आई थी? हमारे अलावा और कोई लड़की नहीं आई है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आई थी। आई थी? कहाँ है? करीबन एक घंटे पहले आई थी और बोल रही थी कि थक गई है, शायद वेटिंग रूम में वेट कर रही है। इस वक्त हैं वो लोग? ये तो मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं? वेटिंग रूम कहाँ पर है? सेकंड फ्लोर। थैंक यू। शेखावत की गाड़ी? चलो। अच्छा वह शेखावत यहाँ पहुंच गया। वो जेलर भी कहीं दिख नहीं रहा है सर। समझ में नहीं आता, कोई और भी तो नहीं है यहाँ पर? हाँ सर, कोई दिख नहीं रहा है। सर यहाँ पे तो फंक्शन का कोई नामो निशान है ही नहीं। विनीत, पूर्वी, तुम लोग उस तरफ जाओ। अभिजीत, दया, इस तरफ। सर। श्रेया, तुम मेरे साथ आओ। जेलर को बेहोश कर दिया गया है, जल्द ही खून होने वाला है उसका। हथियार फेंक दो। इस जेलर के पांच टुकड़े करने हैं। अब किसी के टुकड़े नहीं होंगे। जो भी बीच में आएगा उसके भी टुकड़े होंगे। होश में आओ। जेलर के टुकड़े करने हैं। तेरे भी टुकड़े होंगे। ये मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे हाथों से एक और गुनाह होने वाला था। शेखावत, यहाँ पे गोली चली है? हाँ सर, ये दो लड़कियां हिप्नोसिस में थी, इनको होश में लाने के लिए मुझे गोली चलानी पड़ी। अच्छा, तो ये वो दो हैं जो लोगों को काटने में लगी थी। हथकड़ियां पहना दो इन्हें। और ये जेलर विक्रम कुमार। विक्रम? विक्रम। शिकावा, ये रहा तुम्हारा अब है, बहुत ताकत है इसमें। हाँ, ये टुकड़े करने का सिलसिला इसी ने शुरू किया था। फिंगरप्रिंट्स? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने।
मैं तो सिर्फ देख रहा था। थैंक यू शेखावत, तुम्हारी मदद से ये केस सॉल्व हो गया। सर मुझे नहीं लगता कि ये केस अभी तक पूरी तरह सॉल्व हुआ है। क्या मतलब? ये दो लड़कियों का तो मैं समझ सकता हूं, मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तीन खून के पीछे अभय का कोई हाथ है। मगर ये भी तो रंगे हाथों पकड़ा गया था। हाँ, तुम्हें इसके घर से वो फाइलें वगैरह भी तो मिली थी ना? वो फाइलें ऐसे सजा के रखी गई थी ताकि मुझे आसानी से मिल जाए और हमारा शक उस पर चला जाए। ये तो एक डिस्टर्ब्ड आदमी है सर, जब भी जुनून चढ़ता है, पागलपन चढ़ता है, बाहर निकलता है और खून कर देता है। तो फिर कैसे कह सकते हो कि इसने खून नहीं किया? सर क्योंकि तीन साल पहले जितने भी खून इसने किए उन सब लोगों में कभी कोई रिश्ता, कोई संबंध कभी नहीं होता था। लेकिन इस दफा तीनों पुलिस वाले हैं और तीनों एक ही पुलिस स्टेशन में काम करते थे और ये दो लड़कियां हिप्नोटाइज थी। सर मुझे शक है कि कोई इन तीनों से अपना काम करवा रहा है। और जो हिप्नोटिज्म जानता है? यस सर। अबे आजकल क्या तुम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो या किसी अस्पताल जा रहे हो? हाँ, जब वैन खाई में गिरी थी मेरे सर में चोट लग गई थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए डॉक्टर के पास जाता हूँ। कौन से अस्पताल में? हॉस्पिटल बनाला। और उसी अस्पताल में तुम दोनों नर्स हो, राइट? जी सर। अबे, तुम्हारे डॉक्टर का नाम क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, आपका एक साइन चाहिए। थैंक यू मैम। इट्स ओके। जेलर यहाँ क्या कर रहा है? अब तक तो इसे ऊपर पहुंच जाना चाहिए था। लगता है कोमल और रीटा ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ आपको? मेरा सर फटा जा रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं डॉक्टर, और उल्टी जैसा भी महसूस हो रहा है डॉक्टर। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप चलिए मेरे साथ। तबीयत खराब है? आंखें भी बारी बारी हो रही। कोई चिंता नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। बी अ गुड बॉय, यहाँ चुपचाप लेट जाओ। वेरी गुड, एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप लेट जाओ। एक इंजेक्शन से कितना शरीफ बच्चा बन गया है, शराफत का इनाम मिलेगा तुझे। इनाम? क्या इनाम मिलेगा? जरूर इनाम मिलेगा। नाउ बी अ गुड बॉय और गिनती गिनो, उल्टी गिनती गिनो। 100, 99, 98, 97, 97, 97, 97। काट दूंगी इसे, अब मैं मार दूंगी इसे। आकाश की मौत का बदला लूंगी तुझसे, तेरी गर्दन काट दूंगी इससे मैं। अच्छा अच्छा, सौ फेंक दो, ये लोग को नहीं मार सकते तुम। हटो हटो, सौ फेंक, हट जाओ तुम लोग पीछे। नहीं डॉक्टर आशा, एक एक को काट लूंगी मैं। मशीन दीजिए हमें, इससे मरना ही पड़ेगा। नहीं, ये मर के रहेगा। आशा मैं, हटो हटो पीछे, तुम सब हट जाओ पीछे, हटो वरना तुम सब काट लूंगी मैं। इसकी गर्दन में काट के रहूंगी। अरे हट जाओ हट जाओ। नहीं देखिए, इसे तो मरना ही होगा। आ! आ!
मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती कि इन तीनों ने मासूम से आदमी को झूठे केस में फंसा दिया। पुलिस होने का घमंड इनके सर पे भूत बन के नाच रहा था। लेकिन आकाश ने अपने ऑफिस में चोरी की थी ना? चोरी उसके बॉस ने की थी, आकाश ने नहीं की थी। वो मासूम था, बेचारा फंस गया था। उसने विक्रम को जाकर कितने हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें करी, पर उसने नहीं सुना, एक नहीं सुनी उसने। चोरी का कलंक लग गया था उसके माथे पे। बेचारा ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाया और शर्म के मारे उसने अपने आप को फांसी लगा ली। हम दोनों ने शादी के सपने देखे थे, क्या क्या सपने नहीं देखे थे। उसके लिए अफसोस है हमें। और एक दिन अचानक कहीं से अभय मेरे हॉस्पिटल आ गया। तभी मैंने सोच लिया था कि इन चारों का खून करके मैं अभय के सर पे डाल दूंगी। मैंने ठीक उसी तरह इन सबको जैसा अभय काटा करता था। देखिए आकाश के साथ जो हुआ वो वाकई बुरा हुआ। इस तरह से इन चारों को सजा देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं था। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, अब तुम पर केस चलेगा और शायद तुम्हें फांसी ही होगी। पूर्वी, फ्रेडी। चलिए। केस बहुत जल्दी सुलझ गया शेखावत। इस बार वाकई थैंक यू वेरी मच। आप फिर याद कीजिएगा सर। गुड लक। फिर मिलेंगे। श्योर। दया। थैंक यू सो मच। कुछ कर यार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.